उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है जो यूपीपीएससी यूनियन पब्लिक स्टेट का है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश, इन्होंने एक विज्ञापन जारी कर दिया है, यूपीपीएससी में वैकेंसी निकाल दी है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि जो यूपीपीएससी की वैकेंसी हैं वो कितनी हैं और अप्लीकेशन फॉर्म की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, एग्जामिनेशन की जो फीस है वो क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो क्या रहने वाली है। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। यह है ऑफिशियल नोटिस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का और जो इसमें पीसीएस का एग्ज़ाम होगा, तो ये होगा पीसीएस एग्ज़ाम 2024, ठीक है। और इसमें जो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्ट डेट है वो है 1 जनवरी और लास्ट डेट है 29 जनवरी, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले OTR कर लेना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसको फिर जैसे ही आप इसको कर लेंगे, इसके लिए वेबसाइट आप OTR.patrika.in से कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आप OTR कंप्लीट कर लेंगे, OTR बेसिकली अपनी जो डिटेल्स हैं बेसिक, जैसे नेम और जो भी बेसिक डिटेल्स हैं, एड्रेस, क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़, मोबाइल नंबर, जीमेल, आधार कार्ड, तो ये सारा फिल करके आपको एक अपना डैशबोर्ड बना लेना है जिसको बोलते हैं OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको होगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर OTR नंबर प्राप्त होगा, उसका प्रयोग करके अब आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करना है और वहाँ से आपको ये अप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक। तो सबसे पहले OTR आप बना लेंगे, OTR रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फिर इसके बाद ऑनलाइन जो अप्लीकेशन करना है वो वेबसाइट के थ्रू ही होगा, ठीक है। और ये है अप्लीकेशन पूरा, तो यहाँ से इस साइड से देखना चालू करते हैं इसको, इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है, ऑथेंटिकेट OTR करेंगे, ठीक है। OTR कर रखा है आपने तो इसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर जो सेकंड स्टेप है यहाँ पर एप्लीकेशन पार्ट टू, यहाँ पर आपको OTR की हेल्प से, OTR में आप अपनी बेसिक डिटेल्स भरे रहे होंगे तो वहाँ की उसकी हेल्प से यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे और फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा एप्लीकेशन फॉर्म से भरने से रिलेटेड। अब यहाँ पर अगली चीज़ देख लेते हैं कि एप्लीकेशन की जो फ़ी है वो कितनी रहने वाली है। तो यहाँ पर जो फ़ी दे रखी है वो है 125 रुपये मात्र, और यहाँ पर जो SC ST है उनके लिए थोड़ा सा और कम कर दी है, ये कर दी है 65 रुपीज़ मात्र। और फिर इस तरह जो पर्सन डिसेबल है उनके लिए है टोटल 25 रुपये मात्र, और भी कम है जो अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर टोटल देख लेते हैं जो वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं, टोटल 220 वैकेंसी हैं, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर बात करेंगे हम जो लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार है शैक्षिक योग्यता की, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो उत्तर प्रदेश कृषि सेवा है सेक्शन सी, ठीक है, तो इसके लिए जो आपकी पढ़ाई है मतलब शिक्षा है वो आपको होना चाहिए किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणितीय सांख्यिकी मतलब मैथ्स या मैथ्स स्टैटिक्स या एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में आपको स्नातकोत्तर मतलब कि PG डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, आपकी PG डिग्री होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। इसके बाद अगली पोस्ट है तो इसके लिए भी अलग अलग वो दे रखी हैं। इसके बाद व्यवस्था अधिकारी, तो इसके लिए आपको किसी विद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएशन एटलीस्ट होना चाहिए। और दूसरी भी इसमें दे रखी है कि होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा आपका होना चाहिए, ठीक। पुलिस उपाधीक्षक हो हेतु जो DSP होते हैं उनके लिए जो यहाँ पर फिजिकल है वो कितना होना चाहिए, तो जो मेल्स हैं पुरुष हैं उनके लिए 165 हाइट होना चाहिए और चेस्ट इनका 84 चेस्ट होना चाहिए, ठीक है, फिर फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूल जाना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। जो फीमेल हैं इनके लिए जो हाइट है तो 152-152 सेंटीमीटर होना चाहिए, फिर SC के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गई है और फिर इस तरह से थोड़ा सा कम हो गई है, ठीक है,
जो जिला कमांडेंट होम गार्ड्स हैं इनके लिए थोड़ा सा और कम हो गई है। फिर अधीक्षक कारागार पद हेतु तो यहाँ पर ये हाइट है और यहाँ पर हाइट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पर, बल्कि हाँ थोड़ा सा जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो ज़्यादा हाइट आ रही है। ठीक है, फिर इसके बाद बात कर लेते हैं एज, जो एज लिमिट है वो कितनी होना चाहिए। तो आपकी एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है आयु सीमा, तो 1 जुलाई 2024 को 21 साल की आयु आपको पूरी कर लेनी होनी चाहिए, और 1 जुलाई 2024 को या उसके पहले, ठीक है, 21 साल का आपको पूरा होना चाहिए। फिर यहाँ पर और कंडीशन दे रखी है कि जो कैंडिडेट हैं उनका जन्म 2 जुलाई 1984 से पूर्व, मतलब पहले, तथा 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके बाद इस परीक्षा में जो है मुख्य परीक्षा होगी, प्रारंभ नहीं, पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी प्रीलिम्स, फिर जो है मुख्य परीक्षा होगी। ठीक है, फिर इसके बाद होगा साक्षात्कार, जिसको वो कहते हैं इंटरव्यू। अगर आप पहली दो जो परीक्षाएं हैं प्रारंभिक और मुख्य उनको पास करते हैं। ये रहा एक बेसिक जानकारी जो है यूपीपीएससी से रिलेटेड, और सिलेबस का एक अलग से वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम है वो कैसे कंडक्ट होता है, उसमें एज लिमिट क्या रहती है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो सारा कैसे है, और क्या क्या सब्जेक्ट सिलेबस पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी यह वीडियो शेयर कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कहीं पर डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।